Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. My name is Mohitza Naqvi and you are watching my YouTube channel. So today I want to congratulate all those candidates who have been shortlisted for the year 2023 U-Grade program for the interviews. So I'm recording this video for you guys to completely guide you about the interview process, about the, you know, expected questions, each and everything. So I'm gonna record this video in Urdu so that you can better understand what I am trying to say. So many students were, you know, commenting me on the YouTube videos and Facebook that now you are in Muzaffarabad, why are you recording your videos in English? So I want to clear one thing, that the only purpose of recording my videos in English was I have some international subscribers who cannot understand Urdu. So that was the only reason. Otherwise, you know, I love my language Urdu, I own it, and I am more comfortable in talking to you guys in Urdu. So basically I'm gonna record this video in Urdu. जी बहुत हो गई फॉर्मल बातें, अब जो है ना मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले आपने मुझे सुनना ऐसे है जैसे कि मैं आपकी फ्रेंड या सिस्टर हूँ. ओके, टेक इट ईजी. और आपको कंफर्टेबल और रिलैक्स करने के लिए, ये जो आपकी एंजाइटी है इंटरव्यू को लेकर, ये ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. वो ये कि ये जो इंटरव्यू है ना, ये आप किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी क्लर्क के ऑफिस में उस तरह देने नहीं जा रहे जहाँ पर आपको जो है ना एक स्ट्रिक्ट किस्म का फेस बनाए हुए लोग बैठे होंगे, स्माइल भी नहीं करेंगे और आपसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे और आपको कंफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे. नॉट एट ऑल. आपसे जो लोग इंटरव्यू लेंगे ना, वो बहुत काइंड, स्वीट और फ्रेंडली होंगे. इवन कम से कम 2-3-4 सेकंड्स के अंदर आप उनसे इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे, इतने ईजी हो जाएंगे ना, आपको लगेगा आप अपने फ्रेंड्स से बातें करें. सो जस्ट रिलैक्स. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका इंटरव्यू का टाइम ड्यूरेशन कितना होगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ड्यूरेशन डजेंट मैटर. अगर किसी का बहुत लंबा इंटरव्यू हो रहा है, किसी का बहुत शॉर्ट हो रहा है, इट रियली डजेंट मैटर. तो मेरा इंटरव्यू हुआ था कम से कम 4-5 मिनट का. ठीक है, इवन आपका इंटरव्यू 2 मिनट का भी हो सकता है. सो इट रियली डजेंट मैटर, इसके बारे में परेशान नहीं होना. और उसके बाद मैं आपको अगर बताऊँ, मैंने कुछ चीज़ें नोट की थी कि जिनके, क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होती है ना, तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं स्किप कर देती हूँ, इसलिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे कि ये मैं आपके साथ ज़रूर आपको शेयर करूँगी. टाइम ड्यूरेशन की बात मैंने कर ली. उसके बाद अगर हम क्लॉथिंग की बात करेंगे, कैसे आपने कपड़े पहनने, तो बेसिकली मैंने सुना है कि आपका इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही हो रहा है, तो कपड़े, फॉर एग्जाम्पल जितनी अभी वीडियो में मैं आपको नज़र आ रही हूँ, तो इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ सकते हैं जूम पे या स्काइप पे, जो भी सीन है. तो आपके सिंपल से फॉर्मल मतलब कपड़े हैं, अच्छी सी डिसेंट सी ड्रेसिंग कर लें कोई, आपको इतना तो है, अभी सबको ये अंदाज़ा होता है कि बहुत आपने जो है ना शाइनी, चमकीले, भड़कीले कपड़े नहीं पहने. एक सिंपल सी शलवार कमीज है आपकी, या इवन आप शर्ट्स भी पहनते हैं, तो डिसेंट होना चाहिए. ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, सेमी फॉर्मल में भी चलेगा. क्लॉथिंग के बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू पैनल की, कि इंटरव्यू पैनल में कौन कौन लोग होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे. तो इंटरव्यू पैनल में आपके पास 3 लोग होंगे. एक तो कोई अमेरिकन एम्बेसडर होंगी, कोई खातून, स्पेशली कोई लेडी होती है. उसके अलावा आपके पास होगा एक साइकोलॉजिस्ट जो आपको ऑब्जर्व करेगा कि आप की मतलब सच बोल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है. तो वो होगा एक साइकोलॉजिस्ट, और उसके अलावा एक पाकिस्तानी बंदा होगा. बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करता मुझसे, उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, बस वो सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करता रहता है. और मैंने एक चीज़ ये नोट की थी कि वो साथ साथ ना नोट कर रहा था, जब मैं बोल ही जा रही थी तो वो लिख रहा था. इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जस्ट बी ऑनेस्ट. बहुत ज़्यादा बढ़ के मारने की आपको ज़रूरत नहीं. कुछ लोग होते हैं ना और स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को, मैं तो बड़ी ये चीज़ों, तो वो आपने नहीं करनी यार. बी ऑनेस्ट. अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो इंटरव्यू तक, तो आपने कोई बात तो हुई होगी ना. तो जस्ट बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, और आप जो है ना इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे. उसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश लेवल की, इंग्लिश आपकी बहुत टॉप क्लास होने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप बेसिक एक इंग्लिश जो स्कूल में भी बच्चों को आजकल सिखाते हैं,
स्कूल लेवल से हमारा तो इंग्लिश मीडियम ही होता है ना, और इंग्लिश मीडियम ना भी हो, उर्दू मीडियम के भी बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो इंग्लिश का तो एक सब्जेक्ट हमारा वन क्लास से चलता आ रहा है, तो इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी कि आप सवालों के जवाब दे सकें। और अगर आपके टेंसेस वगैरह कहीं पे गलत हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स। बस आपने अपनी बात कन्वे कर देनी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर किसी की इतनी भी इंग्लिश नहीं है तो फिर मैं आपसे अभी क्वेश्चंस शेयर करूंगी कि एक्सपेक्टेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप अगर लिख के प्रिपेयर कर लें पहले ही से, तो फिर अगर आपको मतलब इंग्लिश में मसला है तो वो आपने अगर तैयार किए होंगे कि इन सवालों का जवाब इंग्लिश में कैसे देना है, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब होता क्या है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो भी आप उसे कह लें, उससे रिलेटेड होते हैं। जो बातें आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में की हुई होती हैं, वो ये पूछते हैं कि आपने अगर ये चीज़ लिखी हुई थी तो क्यों लिखी हुई थी, या अच्छा इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे। मतलब आपने जो बातें अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखी हुई हैं, उनको आपको डिफेंड करना आना चाहिए। उसके लिए मैं आपको टिप दूंगी कि अपनी पर्सनल स्टेटमेंट कम से कम 10 से 15 बार पढ़ें, इन दिनों में पढ़ें जब आप इंटरव्यू की तैयारी करें। उसके अलावा आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है बहुत गलती करते हैं, वो बताने लग जाते हैं माई नेम इज दिस और मेरी फील्ड ये है, मैं यहाँ से हूँ। नो, ये चीज़ें आपकी जो इतनी लंबी एप्लीकेशन होती है ना, उसमें उन्होंने पढ़ ली हुई होती हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप क्या, उनको आपके बारे में सब कुछ पता होता है। तो आपने उनको अपने बारे में वो चीज़ें बतानी हैं जो उन्हें नहीं पता। फॉर एग्जांपल कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के 250 वर्ड्स थे, ठीक है, मुझे तो बहुत चीज़ें उसमें छोड़नी पड़ी। मेरे पास मतलब मैंने लिखी पर्सनल स्टेटमेंट जब, तो बाद में मैं बस उसमें से माइनस ही करती गई, ये निकाल दूँ कि जो है ना वर्ड लिमिट पूरी हो जाए। इसलिए मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ था। अपनी ऐसी क्वालिटीज़ बताएं जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलना। जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, अच्छी बातें, और जो आप समझते हैं कि आपको दूसरों से यूनिक बनाती हैं, वो बातें बताएं टेल मी अबाउट योर सेल्फ में। उसके अलावा अब मैंने क्या किया, अब यूग्रेड फॉल 2022 के जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, उनसे मैंने कहा कि आप लोगों से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप मुझे सेंड करें, ताकि मैं अपने जो ये अब कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके साथ शेयर करूं, उनको एक आइडिया मिले कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते, ताकि वो अच्छी तरह तैयारी कर सकें। तो थैंक यू एवरीवन, जो भी यूग्रेड फॉर 2022 के जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चंस सेंड किए, जो उनसे पूछे गए, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। ओके जी, सांस चढ़ रही है बोल के। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस उन लोगों से पूछे गए। फॉर एग्जांपल, मैं अपना बताती हूँ कि मुझसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दूसरा मुझसे ये भी पूछा गया था कि आप क्योंकि लॉ पढ़ रही हैं, तो आप किन लॉज में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अब मैंने बताया कि मैं ज़्यादातर इंटरनेशनल लॉज में इंटरेस्टेड हूँ। फिर उन्होंने ये पूछा कि इंटरनेशनल लॉज में आप क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि क्योंकि मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, हमारा तो कश्मीर इशू इतने अरसे से चलता आ रहा है, तो मुझे इंटरनेशनल लॉज पढ़ के मुझे एक सलूशन ढूंढना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी कंट्री के लिए, अपनी स्टेट के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी। और मुझसे उन्होंने ये पूछा कि अगर आपको ले जाते हैं US, तो कौन सी चीज़ें जो हैं आप शेयर करेंगी US के लोगों के साथ। तो उसमें मैंने ये भी बात मतलब की कि मुस्लिम्स को लेके ना बाहर के लोगों का एक बहुत कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये दहशतगर्द होते हैं, ये होता है, वो होता है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हम कितने पीस लविंग लोग हैं, और हम जो है ना, ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, एक गैप है, जो गलत फहमियाँ हैं जो हमारे दरमियान पैदा की गई हैं। और पाकिस्तान का एम्बेसडर होने के नाते तो यही हमारा फ़र्ज़ है कि हम US के लोगों को जाके बताएं कि जो आपको बातें बताई जाती हैं वो गलत हैं, और हम किस तरह के लोग हैं, अपने कैरेक्टर से, अपने अखलाक से ही उनको बताएं। और वहाँ से वापस आके फिर मैं यहाँ के लोगों को बताऊँगी कि वो कैसे लोग हैं। तो अब मैं आपसे बाकी लोगों के क्वेश्चंस शेयर करती हूँ। अब मैं इंग्लिश में ही पढ़ूँगी और आपने नोट कर लेना है अगर आप करना चाहते हैं, और फिर आप उनके अपने हिसाब से, आप क्या समझते हैं, आपके क्या आंसर्स हैं, वो आप लिखना चाहें तो लिख के तैयार कर लें। अगर आपकी इंग्लिश का इशू है
तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक क्वेश्चन था, व्हाट आर योर लीडरशिप एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देम। ठीक है, क्योंकि लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल है इस स्कॉलरशिप के अंदर। सिर्फ आपके मार्क्स वगैरह नहीं देखे जाते कि आप कितने लाइक्स पाए के, आपकी कम्युनिटी सर्विसेज, आपकी लीडरशिप स्किल्स और ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सो द क्वेश्चन वाज, आई विल रिपीट, व्हाट आर योर लीडरशिप एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देम। उसके अलावा एक क्वेश्चन था, व्हाट वुड बी सम डिफिकल्टीज दैट यू फील दैट यू माइट फेस इन द USA। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। आप अगर ये क्वेश्चंस नोट करना चाहते हैं तो आप बेशक नोट कर लें। एक क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट योर मेजर लाइक योर फील्ड, व्हाई डिड यू चूज दिस। आप जो फील्ड पढ़ रहे हैं वो आपने क्यों चूज की। ठीक है, ऑल्सो हाउ विल यू इम्प्लीमेंट द नॉलेज गेन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस टू योर होम कंट्री। मतलब वो एक्सपीरियंस जो आप USA से सीख के आएंगे उससे आपकी कंट्री को कैसे आप फायदा पहुंचाएंगे। एंड दोज जेनरिक, टेल अस अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाट डू यू होप टू गेन फ्रॉम दिस प्रोग्राम। अच्छा सॉरी, ये किसी ने वर्ड शायद गलत लिखा हुआ है, मतलब जनरल क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि हमें अपने बारे में बताएं और आपकी इस प्रोग्राम को लेकर क्या उम्मीदें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जो भी आपके दिल में है कि आप क्या सीखना चाहते हैं वहां पर, आप किस इंटेंशन से जा रहे हैं। ठीक है, आपने सच्ची वाली इंटेंशन फिर नहीं बतानी कि हम तो भाई अमेरिका देखने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। बीच में से सब स्टूडेंट्स का यही होता है, लेकिन फिर भी जो है ना, इसको प्रोफेशनल और ऑफिशियल वे में लेके चलें। उसके अलावा एक क्वेश्चन था, यू हैव रिटन अ लॉट इन SOP, एनीथिंग एल्स दैट इज नॉट रिटन इन योर SOP। वही बात जो मैंने आपसे कही थी, SOP से हट कर कोई उनको यूनिक बात अपने बारे में बताएं। अच्छा, फिर जो हॉस्टलाइज थे जो लोग, उनमें से किसी से पूछा गया कि यू आर स्टेइंग इन योर हॉस्टल इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम दैट। हॉस्टल में रह के आपने क्या सीखा हॉस्टल लाइफ से। और फिर एक क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एक्सचेंज योर कल्चर। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन था, वो स्टूडेंट बताती हैं कि आई मेंशनड अबाउट माई स्पोर्ट्स, सो दे आस्क मी वाई डिड नॉट यू कंटिन्यू प्लेइंग स्पोर्ट्स ऑन सम हायर लेवल। ठीक है, तो फिर उन्होंने ये आंसर दिया था कि आई सेड आई डिड नॉट गेट परमिशन, सो द फॉलो अप क्वेश्चन वॉज, वुड यू प्ले स्पोर्ट्स इन US इफ यू विल गेट अ चांस। सो शी सेड, आई सेड आई श्योरली आई वुड लव टू। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन था, They asked me about my social work, what you help people and also what will you after coming back from US. अच्छा, उनसे उनके social work के बारे में पूछा, क्योंकि हमने बड़ा social experience भी share किया हुआ होता है application के अंदर कि हमने तो ये फलाना काम किया हुआ है, ये किया हुआ है। तो उनसे पूछा गया कि जो है ना, आपने किस तरह लोगों की help पाकिस्तान में की हुई है आज तक लोगों की, और वापस आके जो है ना, वो आप किस तरह help करेंगे। अच्छा, फिर एक बंदा जो है, किसी ने कहा हुआ है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस उनसे SOP के अंदर से ही पूछे गए, और मैं भी इसी बात पे स्ट्रेस दूंगी कि SOP आप बार बार पढ़ के जाएं। SOP से क्वेश्चंस 2 से 3 तो आपसे पूछे ही जाते हैं मोस्टली। तो उनसे उसके अलावा, SOP के अलावा ये क्वेश्चन पूछे गए कि टेल अस अबाउट योर ट्रेवल एक्सपीरियंस एंड हाउ यू विल मैनेज टू लिव इन मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट्स एंड हाउ यू विल एक्सचेंज दी ट्रेड्स एंड इफ एनी सोशल वर्क एक्सपीरियंस, उसके बारे में बताएं। फिर हॉबीज के बारे में बताएं, और जो आपकी हॉबीज अगर ये हैं तो क्यों हैं, आप इनमें क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और बाज़ लोगों से तो बहुत ईजी क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी होते हैं, और वो क्वेश्चन वो आंसर दे के सोचते हैं, यार इतना ईजी क्वेश्चन मुझसे पूछा, पता नहीं मेरी सिलेक्शन होगी भी कि नहीं होगी। तो ना ही इंटरव्यू देने के बाद आप क्वेश्चंस के बारे में सोचें, ना ही टाइम ड्यूरेशन के बारे में सोचें, और ना ही उन गलतियों के बारे में सोचें जो आपने कर दी हुई है। ठीक है, आपने जो है ना, रिलैक्स रहना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है। और इंटरव्यू देने के बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने क्या करनी है। तो मेरा ये मानना है कि पहले दवा होती है और फिर दुआ होती है। ठीक है, अभी आपका इंटरव्यू नहीं हुआ तो बहुत अच्छी सी तैयारी करें, ठीक है, इंटरव्यू दें, और इंटरव्यू देने के बाद, बहुत कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देने के बाद
उसके बाद आपने ये जो है ना भूल नहीं जाना, ठीक है। आपने दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, और मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल थी, आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आगे इंशाल्लाह मैं हायर एजुकेशन के लिए और डिफरेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर भी स्कॉलरशिप की फुली फंडेड वीडियोस बनाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।